सहायक आबकारी आयुक्त राजेश्वर जी के साथ हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर इस त्योहार के सीजन में उन्होंने अपने विभाग के द्वारा क्या तैयारियां कर रखी हैं और कैसे वो कंट्रोल करेंगे किसी भी अप्रिय घटना को होने से पहले। राजेश्वर जी नमस्कार, स्वागत है ईटीवी से बात करने के लिए। जरा मुझे ये बताइए कि विभाग ने इस त्योहार के सीजन में क्या करने के लिए कमर कस रखी है और कैसे आप किसी अप्रिय घटना को रोकेंगे राजेश्वर जी होने से। इस त्यौहार दीपावली त्यौहार में हमारे आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा एक विशेष कार्यक्रम अभियान 31 अक्टूबर से 1-9 नवंबर तक ने चला रखा है, जिसके दौरान हम लोग तमाम संदिग्ध अड्डों, ढाबों और रोड चेकिंग वगैरह करते रहते हैं, जिससे कोई भी हमारे यहाँ जहरीली शराब से संबंधित अप्रिय घटना न घटे। और जगह जगह हम चेकिंग और रेंडमली दुकानों की चेकिंग इस तरह से करते हुए ये चाहते हैं कि किसी तरह की घटनाएं न घटे और दुकानों में हमारे अधिक से अधिक बिक्री हो, जिससे राजस्व प्राप्ति भी हो, जो सरकार का मुख्य लक्ष्य है। राजेश्वर जी, रेवेन्यू पे तो शासन भी स्ट्रेस देता है, आप लोग भी स्ट्रेस देते हो, लेकिन मुझे एक चीज ये बताइए कि त्योहार के दिनों में अक्सर अड्डा बन जाता है, आपके जितने भी ये हैं पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, उस पे कहीं कोई ऐसी घटना ना सुनने को मिले, उसके लिए आप क्या विशेष रूप से क्या कितनी टीमें आपने गठित कर रखी है रायबरेली शहर के लिए, जिले के लिए, और किस रूप से आप इन पे अरेस्ट करेंगे इन घटनाओं को? चूंकि हमारे यहाँ 6 सर्किल इंस्पेक्टर हैं, तो सभी को अपने क्षेत्र से संबंधित और थानों संबंधित पूरी सहायता लेके जो भी उनके क्षेत्र के संदिग्ध अड्डे हैं और जिले के हैं उस पर हम दबिश डालते हैं। जो भी अवैध काम में लिप्त लोग हैं शराब से संबंधित, उनको धरपकड़ करते हैं और उनके अगर कच्ची शराब है तो उनके लहन को, शराब करते हुए लहन को नष्ट कर देते हैं और उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराते हैं, जिससे हम अच्छी तरह से रोकथाम कर सके अवैध शराब के खिलाफ। बिक्री का जो टाइमिंग है और जो ऑफिशियल नॉर्म्स है उसको फॉलो न करने वालों के लिए आप क्या एक्शन लेंगे, तो इसका एक प्रिस्क्राइब नॉर्म्स है? चूँकि हमारे यहाँ दिन के 12 बजे से और रात के 10 बजे तक का टाइम फिक्स किया गया है दुकानों की बिक्री के लिए, अगर इसके पूर्व और इसके पश्चात अगर कोई दुकान खुली पाई जाती है तो अगर इसमें पकड़ी जाएगी तो हमारे यहाँ बीच ऑफ कंडीशन है, जिसमें एक प्रशमन दंड लगा के उस दुकान के खिलाफ हम प्रशमन राशि जमा करवा देते हैं और एक तरह से आर्थिक दंड है उनके खिलाफ।